जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ये जो ट्रेन पे नंबर 5 डिजिट का नंबर लिखा हो रहता है इसका मतलब क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए जो स्टार्टिंग का 2 नंबर होता है स्टार्टिंग, देखिए जैसे उसमें लिखा हुआ रहता है, वहां देखिए ये जो लिखा हुआ है 04052, तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं ये दर्शाते हैं साल को। ये फर्स्ट 2 डिजिट जो है ये ईयर को दर्शाते हैं। तो क्या ईयर मतलब क्या हुआ कि ये जो बना है ये 2004 में बना है, ये जो कोच है ये 2004 में बना है। उसके बाद लास्ट 3 डिजिट, ये जो 3 नंबर है ये दर्शाता है लास्ट 3 डिजिट, ये टाइप कौन सा है, ये एसी है, स्लीपर है या जनरल है, इसको दर्शाता है। तो चलिए देखिए यहाँ ये जो एसी कोच होता है वो होता है स्टार्ट 1 से लेकर 200 तक, मतलब कि 1 से लेकर 200 के बीच में। तो ये 0 से 52 है, ये 0 52 ये कौन से में आए, 1 से लेकर 200 के बीच में आता है ये 0 से 52, यानी सिर्फ 52 जो है 1 से लेकर 200 के बीच में आता है। तो ये कौन सा कैटेगरी में गया, ये गया एसी कैटेगरी में, एसी कैटेगरी में ये गया एसी कैटेगरी में। ये जो है 04 जो है कब का बना हुआ, जो 2 डिजिट होता है वो बताता है साल को कब बना है। तो ये 04 जो है बता रहा है कि 2004 में ये बना है, और ये जो है ये कौन से कैटेगरी में गया, एसी कैटेगरी में। तो ये 2004 में बना है, एसी कैटेगरी का ये कोच है। और उसके बाद देखिए ये है पहला 2 डिजिट है, 2 डिजिट ये कब बना है, 1988 में बना। और ये जो है उसके बाद यहाँ ये अपने खुद से लिखा हुआ वहां नहीं है इसमें। और ये जो है ये 199 ये कौन से कैटेगरी में गया, मतलब 1 से 200 तक, तो इसके अंदर ही में रह गया 199, तो ये भी गया एसी कैटेगरी में। तो अब हम लोग जानेंगे स्लीपर के लिए कौन सा, मतलब कहाँ से कहाँ होता है। तो ये होता है 200 से 400 तक, अगर 200 से 400 के बीच में ये 3 डिजिट आया तो वो जाएगा स्लीपर में। कहाँ जाएगा, स्लीपर में, स्लीपर में जाएगा वो जो है, स्लीपर में जाएगा। तो स्लीपर में देखिए ये जो यहाँ देखिए उस फिगर में ये है 198, ये 98 कहाँ गया, ये ईयर को दर्शाता है, 2 नंबर जो है ईयर को दर्शाता है। तो ये जो नंबर है ये कौन सा कहाँ गया, ये ईयर को दर्शाता है 2 नंबर। तो ये 1998 में बना है, ये कोच जो है 1998 में बना है। और उसके बाद ये जो 3 नंबर होते हैं ये दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि कौन सा कैटेगरी के ये कोच है। तो अगर ये 337 किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ है 200 से 400 के बीच में, तो 337 जो है 200 से 400 के बीच में ही तो ये नंबर आता है। तो ये कौन सा कैटेगरी में गया, स्लीपर कैटेगरी में, तो ये जो है ये स्लीपर में जाएगा। तो इसके बाद किसका पारी आता है, एसी हो गया, स्लीपर हो गया। तो उसके बाद आता है जनरल, एसी में जो है तो 1 से लेकर 200 के बीच में अगर कोई भी आया तो वो है उस जो 1 से अगर 200 के बीच में आता है, और क्या स्लीपर में होता है कि 200 से 400 के बीच में आता है। तो उसके बाद एक और बचा जनरल, तो जनरल आएगा 400 से 600 के बीच में। देखिए 400 से 600 के बीच में आता है जनरल बोगी, जो कि ये टाइप को दर्शाता है ये 3 डिजिट। देखिए यहाँ से ये जो है ये ईयर को दर्शा रहा है, तो ये कब बना है, 2012 में। और 429 किस टाइप में आता है, 429 किस टाइप में आया, तो ये 429 400 से अगर क्रॉस करे 400-600 के बीच में आए तो वो हमेशा जनरल कोच में ही आता है। तो ये 429 किस कोच में गया, तो जनरल कोच में। जनरल कोच का और भी खासियत है कि उसमें 3 गेट होते हैं, जनरल कोच में 3 गेट होते हैं, देखिए 3 और साथ साथ में उसके किनारे में जो इस तरह से पीला कलर में इस तरह से डिंडारी टाइप पे बना हुआ रहता है, वो जनरल कोच को ही दर्शाते हैं। तो इसके बाद जो है 600 से 700 जो दर्शाता है वो चेयर कार को दर्शाता है, यानी जनशताब्दी में लगा हुआ रहता है, सिर्फ चेयर लगा हुआ रहता है, वो बहुत आरामदायक होता है, जिस तरह से एरोप्लेन में लगा हुआ रहता है वो चेयर उसी तरह से लगा हुआ रहता है। और इसका भी रिजर्वेशन होता है, जब तो देखिए अगर चेयर कार के जनशताब्दी में आप चढ़े होंगे तो देखे होंगे इसी तरह से सीट लगाया जाता है। तो अगर ये दर्शा रहा है ईयर को, तो 2002 में ये बना है, और 615 किस कैटेगरी में आता है, ये
600 से 700 किस कैटेगरी में आ रहा है, चेयर कार। तो चेयर कार खास करके जन शताब्दी वगैरह में बना दिया जाता है। इसके बाद जो है 700 से 800 के जो है सीटिंग कम लगेज में डाल दिया जाता है। सीटिंग कम लगेज मतलब होता है कि अगर किसी सामान कम सामान को ढोना है, तो उसको सीटिंग कम लगेज में डाल दिया जाता है। ये जो होता है 700 से 800 के बीच में होता है। और जो है इसी को विकलांग श्रेणी में भी डाल दिया जाता है, इसलिए कि वो बहुत विकलांग जो है बहुत कम ही होते हैं, तो इसलिए सीटिंग कम लगेज में डाल दिया जाता है। देखिए इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 08701 08 जो है तो ईयर को दर्शा रहा है। तो कब बना है, तो 2008 में। और 701 किसके बीच में आया, तो ये आता है 700 से 800 के बीच में। तो 700 से 800 के बीच में आया, तो ये किस में गया, सीटी कम लगेज में। जो 800 के पार होता है वो क्या करता है, वो चिट्ठी पहुंचाने वाले काम करता है। 800 से जितना भी पार होता है वो चिट्ठी पहुंचाने के लिए काम करता है। देखिए जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ 15857, तो 15 मीन्स 2015 में बना है, 857 किसके बीच में है, 800 के पार आया। तो 800 ये जो है चिट्ठी पहुंचाने के लिए काम आएगा। और ये सी को दर्शा रहा है, तो सी को कपलिंग को दर्शा रहा है, सी फॉर कपलिंग। सी कपलिंग कौन सा होता है, तो सीबीसी कपलिंग। सी अगर रहे तो सीबीसी कपलिंग। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जय हिंद।